मकामे इब्राहिम। ये एक मुकद्दस पत्थर है जो काबे मुअज्जमा से चंद गज की दूरी पर रखा हुआ है। ये वही पत्थर है कि जब हजरते इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे मुकर्रमा की तामीर फरमा रहे थे तो जब दीवारें सर से ऊंची हो गई, तो यही पत्थर पर खड़े होकर आपने काबे मुअज्जमा की दीवार को मुकम्मल फरमाया। ये आपका मोजजा था कि ये पत्थर मोम की तरह नर्म हो गया और आपके दोनों मुकद्दस कदमों का ये पत्थर पर बहुत गहरा निशान पड़ गया। आपके कदमों के मुबारक निशान की बदौलत इस मुबारक पत्थर की फजीलत व अजमत में इस तरह चांद लग गए कि खुदावंदे कुद्दूस ने अपनी किताबे मुकद्दस कुरान मजीद में दो जगह इसकी अजमत का खुतबा इरशाद फरमाया। एक जगह तो ये इरशाद फरमाया, तर्जमे कंजुल ईमान, इसमें खुली निशानियां हैं इब्राहिम के खड़े होने की जगह, यानी काबे मुकर्रमा में खुदा की बहुत सी रोशन और खुली हुई निशानियां हैं, और इन निशानियों में से एक बड़ी निशानी मकामे इब्राहिम है, और दूसरी जगह इस पत्थर की अजमत का ऐलान करते हुए यह फरमाया, तर्जमे कंजुल ईमान और इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। 4000 साल के तवील जमाने से इस बाबरकत पत्थर पर हजरते इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों के निशान मौजूद हैं। इस तवील मुद्दत से ये पत्थर खुले आसमान के नीचे जमीन पर रखा हुआ है। इस पर 4000 बरसातें गुजर गईं, हजारों अंधियों के झोंके इससे टकराए, बारहा हरमे काबा में पहाड़ी नालों से बारिश में सैलाब आया और ये मुकद्दस पत्थर सैलाब के तेज धारों में डूबा रहा। करोड़ों इंसानों ने इस पर हाथ फेरा, मगर इसके बावजूद आज तक हजरते इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के जलीलुल कद्र कदमों के निशान इस पत्थर पर बाकी हैं, जो बिला सुबह हजरते इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही बड़ा और निहायत ही मुअज्जम मोजिजा है। और यकीनन ये पत्थर खुदावंदे कुद्दूस की आयते बयना और खुली हुई रोशन निशानियों में से एक बहुत बड़ा निशान है, और उसकी शान का ये अजीमुशान निशान हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ी इबरत का सामान है कि खुदाबंदे कुद्दूस ने तमाम मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि तुम लोग मेरे मुकद्दस घर खाने काबा के तवाफ के बाद इसी पत्थर के पास दो रकत नमाज अदा करो। तुम लोग नमाज तो मेरे लिए पढ़ो और सजदा मेरा अदा करो, लेकिन यह महबूब है कि सजदों के वक्त तुम्हारे पेशानियां उस मुकद्दस पत्थर के पास जमीन पर लगे कि पत्थर पर मेरे खलीले जलील हजरते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों का निशान बना हुआ है। दरसे हिदायत मुसलमानों, मकामे इब्राहिम की अजमते शान से ये सबक मिलता है कि जिस जगह अल्लाह ताला के मुकद्दस बंदों का कोई निशान मौजूद हो, वो जगह अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ज्यादा इज्जत व अजमत वाली है, और उस जगह खुदा की इबादत खुदा के नज़दीक बहुत ही बेहतर और महबूब तर है। अब गौर करो कि मकामे इब्राहिम जब हजरते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों से निशान की वजह से इतना मुअज्जम व मुकर्रम हो गया, तो खुदा के महबूबे अकरम और हबीबे मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्रे अनवर का अजमत व बुजुर्गी और इसके तकदुस व शरफ का क्या आलम होगा कि जहां हबीबे खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सिर्फ निशान ही नहीं बल्कि खुदा के महबूबे अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पूरा जिस्मे अनवर मौजूद है और इस जमीन का जरा जरा अनवारे नबुव्वत की तजल्लियों से रश्के आफताब व गैरते महताब बना हुआ है। मुसलमानों, काश कुरान मजीद की यह आयतें लोगों की आंखों में ईमानी बसीरत का नूर पैदा करें ताकि लोग कब्रे अनवर की ताजीमो तकरीम करके दोनों जहां में मुकर्रम व मुअज्जम बन जाएं और इसकी तौहीन व बेअदबी करके शैतान के पंजे गुमराही में गिरफ्तार न हो और जहन्नम के अजाबे मुहिम में न पड़ जाएं। और कश इन चमकती हुई आयाते बयनात से नजदियों और वहाबियों को इबरत हासिल हो जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्रे मुनव्वर को मिट्टी का ढेर कहकर इसकी तौहीन व बेअदबी करते रहते हैं और गुम्बदे खजरा को मुनहदिन करने और गिराकर मिसमार कर देने और निशाने कब्र मिटा देने का प्लान बनाते रहते हैं।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने या समझने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह कुरान और हदीस के सच्चे वाकयात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर सिलेक्ट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।